आज होगा लोकसभा चुनाव का शंखनाद। चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे करेगा चुनाव की तारीखों की घोषणा। देश भर में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी आदर्श आचार संहिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना और कर्नाटक के दौरे पर। तेलंगाना के नगर कुरनूल और कर्नाटक के कलबुर्गी में करेंगे जनसभाएं। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम लिखी चिट्ठी। विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति के लिए मांगे सुझाव। कहा, राष्ट्र निर्माण के हमारे प्रयास लगातार रहेंगे जारी। दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज होगी अदालत के सामने पेशी। वहीं ईडी ने बीआरएस नेता के कविता को किया गिरफ्तार। और खेलों की खबरों में महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में पहुंची आरसीबी। एलिमिनेटर राउंड में मुंबई इंडियंस को 5 रन से दी शिकस्त। रविवार को होने वाले खिताबी मैच में दिल्ली से होगी भिड़ंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। आगामी लोकसभा चुनाव का आज औपचारिक रूप से शंखनाद हो जाएगा। चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। इसके साथ ही देश भर में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। आम चुनाव के साथ ही चुनाव आयोग आज कुछ राज्यों की विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी करेगा। चुनाव आयोग की ये प्रेस वार्ता ईसीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम भी की जाएगी। साल 2019 में लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 10 मार्च को की गई थी और चुनाव अप्रैल और मई में कुल 7 चरणों में संपन्न हुए थे। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी। इसे चुनाव आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए चुनाव आयुक्तों ने नियुक्ति के एक दिन बाद यानी शुक्रवार को पदभार संभाल लिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दोनों चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू का स्वागत किया। इसके बाद ही चुनाव आयोग ने इस बात का ऐलान कर दिया जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। चुनाव आयोग शनिवार दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। खुद चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कल 16 मार्च को दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी। इसे चुनाव आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने इसका स्वागत किया। कल 3 बजे चुनाव आयोग जब लोकसभा के चुनाव और कई राज्य के चुनाव की घोषणा करेगा तो उसका इंतज़ार तो हम लोगों को पहले से है। देश की जनता ने तो मन बना लिया है कि लोकसभा का चुनाव होगा और फिर एक बार मोदी सरकार बनानी है। वहीं आम चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कांग्रेस अपनी पुख्ता तैयारी का दावा कर रही है। हमारी तैयारी तो बहुत बहुत बेहतर है। आज से ही नहीं, जो अभियान हमारा है चुनाव का, उसके मुद्दों को उजागर करने का, लोगों से जुड़े हुए जनहित के मुद्दों की बात करने का, ये अभियान तब से शुरू हो गया था। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल इस वर्ष 16 जून को समाप्त हो रहा है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 10 मार्च को की गई थी और चुनाव अप्रैल और मई में 7 चरणों में संपन्न हुए थे। 23 मई को रिजल्ट आया था। संभावना है कि इस बार भी लोकसभा चुनाव 6 या 7 चरणों में करवाया जा सकता है। चुनाव कार्यक्रम ऐलान के साथ ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए इस बार 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। विपक्ष के एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर तालमेल बिठाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं लोकतंत्र के इस महापर्व में निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग भी तैयारियां कर रहा है। ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भाजपा के लोकसभा अभियान की शुरुआत कर दी। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री आज तेलंगाना और कर्नाटक में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली जनसभा दोपहर 12 बजे तेलंगाना के नगर कुरनूल जिले में होगी। वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के कलबुर्गी में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम पत्र लिखकर विकसित भारत के निर्माण के लिए सुझाव और समर्थन मांगा है। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि आपका और हमारा साथ अब एक दशक पुराना पूरा करने जा रहा है। मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के साथ विश्वास, सहयोग और समर्थन से जुड़ा ये मजबूत रिश्ता मेरे लिए कितना विशेष है, इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि आपके जीवन में आया सकारात्मक बदलाव ही बीते 10 वर्षों में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी पूंजी है। अपनी हर नीति, हर निर्णय के जरिए गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कृतसंकल्पित सरकार ने जो ईमानदार प्रयास किए हैं, उनके सार्थक परिणाम हमारे सामने हैं। प्रधानमंत्री ने पत्र में लिखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए पक्के मकान, सभी के लिए बिजली, पानी, गैस की समुचित व्यवस्था, आयुष्मान भारत योजना के जरिए इलाज की व्यवस्था, किसान भाई बहनों को आर्थिक मदद, मातृ वंदना योजना के जरिए माताओं बहनों को सहायता जैसे अनेक प्रयास सिर्फ और सिर्फ इसलिए फलीभूत हो पाए हैं क्योंकि आपका भरोसा, आपका विश्वास हमारे साथ था। विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ते भारत ने बीते एक दशक में जहां बुनियादी ढांचों का अभूतपूर्व निर्माण देखा, तो वहीं हमें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय धरोहरों के पुनरुत्थान का साक्षी बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में लिखा कि अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपरा को सहेज कर आगे बढ़ते देश पर आज हर देशवासी को गर्व है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि आपके विश्वास और समर्थन से ही GST लागू करना, धारा 370 हटाने, 3 तलाक पर नया कानून, संसद में महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नए संसद भवन का निर्माण, आतंकवाद और नक्सलवाद पर कठोर प्रहार जैसे अनेक ऐतिहासिक और बड़े फैसले लेने में हम चूके नहीं। लोकतंत्र की खूबसूरती जन भागीदारी और जन सहयोग में है। देश हित के लिए बड़े फैसले लेने, बड़ी योजनाएं बनाने और उन्हें सुचारू रूप से लागू कर पाने की शक्ति और ऊर्जा मुझे आपके विश्वास और सहयोग से ही प्राप्त होती रही है। विकसित भारत के निर्माण के जिस संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है, उसकी पूर्ति में मुझे आपके विचारों, सुझावों, साथ और सहयोग की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद और समर्थन हमें निरंतर मिलता रहेगा। राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे प्रयास बिना थके, बिना रुके अनवरत जारी रहेंगे, ये मोदी की गारंटी है। दिल्ली में शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल की आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक की मांग की थी, जिसे सत्र न्यायालय ने ठुकरा दिया। समन पर रोक लगाने की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 2 दिन चली सुनवाई के बाद सत्र न्यायालय अपना उसने निर्णय सुनाया। कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है। बार बार समन जारी होने के बाद भी पेश नहीं होने पर प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल के विरुद्ध कोर्ट में 2 शिकायतें दर्ज की थी। ईडी पूछताछ के लिए केजरीवाल को 8 समन अब तक जारी कर चुकी है। वहीं दिल्ली शराब घोटाला केस में KCR की बेटी और BRS MLC के कविता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कल के कविता को गिरफ्तार कर लिया। जांच टीम ने हैदराबाद में स्थित अपने घर पर छापेमारी की थी। उनके घर पर इस कार्रवाई के बाद ही ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। के कविता को हैदराबाद से दिल्ली लाया जा सकता है। इससे पहले भी ईडी की टीम ने के कविता को 2 समन भेजे थे, हालांकि उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया। दोनों ही समन में के कविता ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं हुई। उसके बाद आज ईडी और इनकम टैक्स की टीम ने के कविता के घर पर छानबीन की।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव का आज समापन समारोह होगा। जगदीप धनखड़ आज इस महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव में शामिल हुई थी। संस्कृति मंत्रालय और हार्टफुलनेस द्वारा आयोजित किए जा रहे 4 दिवसीय आध्यात्मिकता शिखर सम्मेलन का विषय विश्व शांति के लिए आंतरिक शांति है। सम्मेलन का उद्देश्य अंतरधार्मिक संवाद स्थापित करना और सभी उम्र के लोगों और जीवन के सभी क्षेत्र के लोगों को दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता से जुड़ने में सहायता प्रदान करना है। और इसी के साथ ही समाचार में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका, पताका चाय गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। बाबा हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना कितना वजन उठाते हैं। कितना पसीना बहाते हैं। कड़ाके की ठंड से लड़ते हैं। हमें मजबूत बनाते हैं बाबा। पर बाबा को मजबूत कौन बनाता है? मोदी जी। 1.5 गुना MSP देकर, किसान सम्मान का उपहार देकर, ऑनलाइन मंडियां खोलकर, फसल बीमा का कवरेज बढ़ाकर, नैनो यूरिया की बड़ी ताकत देकर, बीज से बाजार तक मजबूत कड़ी जोड़कर, मेरे बाबा मजबूत तो देश मजबूत। थैंक यू मोदी जी। सशक्त किसान, मोदी सरकार की गारंटी। एक बार फिर आपका स्वागत, आप देख रहे हैं समाचार। निर्वाचन आयोग ने 14 मार्च को चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डेटा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग के साथ 12 मार्च को ये डेटा शेयर किया था। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 763 पेजों की लिस्ट अपलोड की गई है, जिसमें बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और व्यक्तियों की जानकारी दी गई है। देश भर में फिलहाल इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े डेटा की चर्चा जोर शोर से हो रही है। चुनाव आयोग ने 14 मार्च को इससे जुड़ा डेटा जारी कर दिया। भारतीय स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग के साथ 12 मार्च को ये डेटा शेयर किया था, जो कि अब सार्वजनिक हो चुका है। राजनीतिक दलों की बात करें तो चुनावी चंदा पाने वालों में BJP अव्वल है। BJP को चंदे के तौर पर सबसे ज्यादा 6,060 करोड़ रुपए मिले, लेकिन लिस्ट में जो दूसरा नाम है उसकी चर्चा काफी हो रही है, और वो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। इस पार्टी को कांग्रेस से भी ज्यादा चंदा मिला है। कांग्रेस को जहां 1,422 करोड़ रुपए मिले हैं, वहीं तृणमूल कांग्रेस को 1,609 करोड़ चंदे के तौर पर मिले हैं। चौथे नंबर पर भारत राष्ट्र समिति है, उन्हें 1214 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के तौर पर मिले हैं। वहीं पांचवें नंबर पर बीजू जनता दल है, जिन्हें 775 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं चुनावी चंदा देने वालों की बात की जाए तो साल 2019 से लेकर 2024 के बीच राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा देने वाली 5 शीर्ष कंपनियों में पहले स्थान पर सैंटियागो मार्टिन द्वारा संचालित फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है। इस कंपनी ने साल 2019 से लेकर 2024 तक 1368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। फ्यूचर गेमिंग का मालिक सेंटियागो मार्टिन 910 करोड़ के लॉटरी घोटाले का आरोपी है, जिसका DMK, CPI, TMC और कांग्रेस से संबंध है।
2007 में CPIM के मुखपत्र देशाभिमानी को 2 करोड़ का चंदा दिया था। 2016 में ईडी के केस में और 2018 में लॉटरी घोटाले से जुड़े मामले में फ्यूचर गेमिंग के मालिक मार्टिन को केरल के सीएम पिनाराय विजयन के लीगल एडवाइजर और वकील एम के दामोदरन ने बचाया था। 2010 में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी सेंटियागो मार्टिन के लिए केस लड़ चुके हैं, हालांकि बाद में विवाद होने के बाद सिंघवी ने अपना नाम वापस ले लिया था। 2011 में डीएमके नेता करुणानिधि पर बनी फिल्म में भी फ्यूचर गेमिंग के मालिक सेंटियागो मार्टिन ने 50 करोड़ रुपए निवेश किए थे। सेंटियागो मार्टिन के दामाद अर्जुन को डीएमके ने अपने चुनावी रणनीति अभियान का हिस्सा बनाया था। दिसंबर 2021 में ईडी की रेड में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत फ्यूचर गेमिंग की 19 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया था। जमीन हड़पने के आरोप में सेंटियागो मार्टिन को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। हैदराबाद स्थित कंपनी ने 2019 से लेकर 2024 के बीच 1588 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे हैं। अक्टूबर 2019 में MEIL के दफ्तरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड हुई थी, जिसमें कांग्रेस से इसके संबंध सामने आए थे, जिसमें 100 करोड़ का फंड भी कांग्रेस पार्टी को ट्रांसफर किए जाने की बात सामने आई थी। इस सूची में हेटेरो ड्रग्स एंड हेटेरो लैब्स का भी नाम सामने आया है, जिसमें इसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए राजनीतिक दलों को 60 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया है। इस बीच इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चुनाव आयोग ने इस दौरान कहा कि राजनीतिक पार्टियों से साल 2019 से पहले के चंदे की जानकारी उसने सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में दे दी थी, उसने इसकी कॉपी नहीं रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बताया कि उसे चुनाव आयोग को लौटा दिया जाएगा, उससे पहले उसे स्कैन कर डिजिटल कॉपी सुप्रीम कोर्ट अपने पास रखेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड मामले में नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विकसित भारत एम्बेसडर अभियान प्रधानमंत्री मोदी की विकासोन्मुखी नीतियों पर भरोसा करने और उसे जन जन तक पहुंचाने की सोच का श्रृंखलाद बन चुका है। इस कार्यक्रम में देश भर के युवा हिस्सा ले रहे हैं। विकसित भारत एम्बेसडर कार्यक्रम आम लोगों तक विकास और प्रगतिशील पहल के संदेश का प्रचार प्रसार करने के लिए मोदी सरकार के प्रमुख आयोजनों में से एक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी से इस जन संचालित आंदोलन में शामिल होने और 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने में मदद करने का आह्वान किया था। विकसित भारत एम्बेसडर अभियान के तहत देश भर में लगातार कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। अभियान से जुड़ने वालों में सबसे बड़ी तादाद युवाओं की है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के अभियान में ये युवा जुट गए हैं। हाल के दिनों में दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में विकसित भारत एम्बेसडर कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही समाज के तमाम वर्गों के लोग भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और 2047 तक भारत को विकसित बनाने की प्रतिबद्धता जता रहे हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में विकसित भारत ब्रांड एम्बेसडर कैंपेन के तहत नारी शक्ति कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। अभियान को आगे बढ़ाने में नमो ऐप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस ऐप के जरिए कम से कम 10 व्यक्तियों को विकसित भारत का एम्बेसडर बनाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस अभियान के तहत जिस 100 डेज चैलेंज की शुरुआत हुई है, उसे देश के युवाओं ने हाथों हाथ लिया है। इसके तहत कई तरह के बेहद ही महत्वपूर्ण और संदेश वाहक अभियान चलाए जा रहे हैं। नमो ऐप के माध्यम से चल रहे इन अभियानों में न सिर्फ देश की शहरी और ग्रामीण जनता बड़ी तादाद में हिस्सेदार बन रही है, बल्कि ये एक सपने को पूरा करने के सामूहिक संकल्प की प्रतिध्वनि बनकर भी उभर रहा है। विकसित भारत एम्बेसडर अभियान पीएम मोदी की विकासोन्मुखी नीतियों पर भरोसा करने और उसे जन जन तक पहुंचाने की सोच का शंखनाद बन चुका है। पीएम मोदी का सपना इस विकसित भारत एम्बेसडर अभियान के जरिए एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने का है, जो अपनी जड़ों, अपनी उपलब्धियों पर गर्व करे, जो राष्ट्र के निरंतर विकास की धुरी बने, जो विकसित भारत के सपने को पूरा करने के महाअभियान का संकल्प सूत्र बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार ने देश को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने देश को इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए एक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति, न्यू ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बड़ी घोषणा करते हुए भारत में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके बाद देश में नवीनतम तकनीक वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, यह नीति प्रतिष्ठित वैश्विक ईवी निर्माताओं द्वारा ई वाहन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए बनाई गई है। इस नीति के तहत न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, वहीं अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं रखी गई है। भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने, ईवी का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने के लिए 3 साल की समय सीमा होगी। ईवी के लिए विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने वाली कंपनियों को कम कस्टम ड्यूटी पर कारों के सीमित आयात को अनुमति दी जाएगी। ई व्हीकल पॉलिसी टू प्रमोट इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मुझे आप सबसे साझा करते हुए बड़ी खुशी होती है कि दुनिया भर से अब हम आमंत्रण कर रहे हैं कि लोग भारत आए, भारत में तेज गति से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उत्पादन बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े और हम विश्व शक्ति बने। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में ई वाहनों के लिए एक उनकी मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से नई ई वाहन नीति को मंजूरी दी है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशंस को 3 साल के भीतर स्थापित करना होगा और 5वें वर्ष में 50% तक स्थानीयकरण वैल्यू एडिशन करते हुए उस स्तर को प्राप्त करना होगा। इलेक्ट्रिक वाहन नीति से दूरगामी और व्यापक फायदे होंगे। यह भारतीय उपभोक्ताओं को नवीनतम तकनीक तक पहुंच प्रदान करेगा, मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देगा, ईवी विनिर्माणकर्ताओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर उच्च मात्रा में उत्पादन के साथ ईवी इकोसिस्टम को मजबूत करते हुए उत्पादन की लागत को कम करेगा और इससे कच्चे तेल के आयात में भी कमी आएगी। व्यापार घाटा कम होगा, विशेषकर शहरों में वायु प्रदूषण कम होगा और स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ेगा तो ग्लोबल प्लेयर्स भी आएंगे, जिसकी वजह से जो उन्नत टेक्नोलॉजी है इस क्षेत्र में वो भी हम लोगों के पास आएगी। जो 25% कंडीशन है फॉर एंसिलरी यूनिट्स, उसकी वजह से देश में इस तरह की यूनिट्स को भी पदोन्नति मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ये फायदे हैं कि एक तो पेट्रोल से झंझट खत्म, CNG की लाइन में झंझट खत्म, अपने घर में चार्जिंग करो तो चार्जिंग पॉइंट लग गए हैं जगह जगह और गाड़ी सब गाड़ियों से सस्ती गाड़ी है। इलेक्ट्रिक से हमें बहुत फ़ायदा है क्योंकि ये बहुत सस्ती भी है और मतलब लाइन में नहीं लगना पड़ता है जैसे CNG की लाइन में, पेट्रोल की लाइन में लगना होता है, तो उससे भी बहुत फ़ायदा है। एनवायरमेंट को लेकर के इसमें पोल्यूशन नहीं होता तो उस हिसाब से बहुत ही प्रभावी हैं और साथ ही साथ जो सरकार की योजनाएं FAME II इत्यादि के द्वारा उसमें बहुत अच्छी सब्सिडी दी जा रही है। सरकार की इस पहल से कुल मिलाकर आने वाले समय में भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र का परिदृश्य पूरी तरीके से बदलने वाला है। जहां इसका स्पष्ट प्रभाव कच्चे तेल के आयात पर पड़ेगा तो वहीं पर्यावरण अनुकूल इन वाहनों के सकारात्मक प्रभाव हमारे पर्यावरण पर भी दिखाई देंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD News दिल्ली। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मुंबई इंडियंस के साथ खेले गए एलिमिनेटर राउंड के मैच को RCB ने 5 रन से अपने नाम कर लिया। अब रविवार को होने वाले फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। कल खेले गए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए RCB ने निर्धारित 20 ओवर में 135 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 130 रन ही बना सकी और उन्होंने ये मैच गंवा दिया। भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन ने ऑल इंडिया इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन ने मलेशिया के ली जी जिया को 20-22, 21-16, 21-19 के अंतर से हरा दिया। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।